नमस्कार सर, अनिल ऑडियो सर्विस सेंटर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये स्टीरियो है ओरा और नियोज में टॉप मॉडल में कंपनी लगा के देती है। ये हमारे पास कस्टमर लाए हैं। कस्टमर हमारे ये चाहते हैं कि जो नियोज का बेस मॉडल आता है वो उसमें फिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे से वायरिंग बनवाना चाह रहे हैं। दोनों के दोनों स्टीरियो के अंदर वायरिंग का फर्क है। कस्टमर हमारे पास वो दूसरा स्टीरियो भी लाए हैं। दूसरा स्टीरियो ये वाला है कस्टमर का, जिसके अंदर वायरिंग जो कपलर कंपनी ने दी है ओल्ड मॉडल के कपलर दिए हुए हैं, और न्यू मॉडल के अंदर जो वायरिंग दी है वो न्यू मॉडल वाली दी है टॉप मॉडल में। इसके अंदर ये नेविगेशन का एंटीना है, ये यूएसबी की लीड है, और बाकी सारे कनेक्शन इसी के अंदर है। इसी के अंदर से हमारा कैमरा एक्टिवेट होता है, स्टेयरिंग इसी से चलते हैं, चारों स्पीकर इसी से चलेंगे, सप्लाई भी इसी से एक्टिवेट होगी, और इसी ओरिजिनल माइक भी इसी से चलेगा। तो हम इसकी वायरिंग बनाने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं वायरिंग कैसे बनेगी इसकी। स्टीरियो का मेल कपलर ले लेते हैं, ये मेल कपलर है जो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, और इसमें हम ना ही आपकी गाड़ी की कोई वायरिंग काटेंगे और ना ही स्टीरियो खोलेंगे। और इसी का हम दूसरा फीमेल कपलर ले लेते हैं, ये इसका फीमेल कपलर है जो कि गाड़ी में कंपनी का आया हुआ है, ये वाला। तो इसके अंदर क्या है, हमने कंपनी से डाटा मंगवा लिया है न्यू मॉडल का और ओल्ड मॉडल का। डाटा के अंदर हम चेक कर लेंगे कौन सी तार किस चीज की है, जो सप्लाई की है स्पीकर में सप्लाई में लगा देंगे, स्पीकर के स्पीकर में लगा देंगे, कैमरे की कैमरे में लगा देंगे, और आपकी गाड़ी के अंदर बिना वायरिंग कट किए हुए सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। अब बनाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे चलता सब कुछ। ये आपका कपलर रेडी हो गया है, ये हमने इसका मेल पार्ट यहाँ के लिए बना दिया है, फीमेल पार्ट जो है गाड़ी में लगाने के लिए। ये आपकी कैमरे की लीड और ये रिवर्स की वायर, ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ लगा देंगे, और ये जो है आपका डायरेक्ट गाड़ी के अंदर लग जाएगा जो कंपनी की वायरिंग आई है। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा वायर नहीं करनी है, ये कैमरे के लिए वायरिंग बना दी है। कैमरे के जो पीछे से वीडियो लीड आएगी इसमें लग जाएगी, और जो रिवर्स के लिए तार आती है वो यहाँ लगा देंगे हम, ठीक है। ये कैमरा हम यहाँ पे आपको लगा के भी चेक करवा देते हैं। ये यूएसबी की लीड है, ये जैक कंपनी का दिया हुआ है, ये देखिए। ऐसे लगाते हुए हमने जो ब्लू वाला कलर का जैक है वहां पे ऑरेंज कलर की पिन रखनी है, और इसके साथ मिला के चारों पिन अंदर है, चारों पिन बीच में एडजस्ट होने चाहिए। तो इस स्क्रू ड्राइवर लेके इसको अंदर तक पुश कर देंगे, जब तक पूरा पुश नहीं होगा इसमें यूएसबी नहीं चलेगी। और ये जो हमारी वायर एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ पे किसी भी पेज पर टाइट कर देंगे, जब तक ये वायर हम ग्राउंड नहीं करेंगे या पेज पर टाइट नहीं करेंगे तो हमारा इसके अंदर एप्पल कारप्ले नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, एप्पल कारप्ले नहीं चलेगा। ये ब्लू कलर का ये नेविगेशन का एंटीना है, जी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये नेविगेशन का एंटीना है, ये यहाँ पे क्लिक हो जाएगा और कहीं भी लगा सकते हैं। उस हमारे जो पुराने स्टीरियो के अंदर तीन ही कपलर आए हुए हैं, दो इसमें लग जाएंगे और एक एंटीने का होता है, एंटीने वाला एंटीने वाले में लग जाएगा। तो इसमें हम आपको कैमरा चला के दिखा देते हैं, बाकी फंक्शन गाड़ी में ही चेक होंगे। आपका इस कपलर को लगाने के बाद स्टीरियो ऑन हो जाएगा, चारों स्पीकर एक्टिवेट हो जाएंगे, बटन्स जो बटन्स में लाइट आती है की में पार्किंग ऑन करने के बाद वो जल जाएगी, और यूएसबी के लिए हमने अलग से लीड दे दी है आपको। कैमरा की वायरिंग बन गई है, और माइक है जो ओरिजिनल ऊपर प्रॉपर वर्किंग वही करेगा, स्टेयरिंग की है वही ओरिजिनल चल जाएंगे आपके, इसमें आपको सब चीज एक्टिवेट मिलेगी, और चाबी कट ऑफ करने के बाद स्टीरियो भी आपका ऑफ होगा। कैमरा देख सकते हैं आपका ऑन हो गया, ये देख लीजिए, ये आपका ऑफ हो गया। सारे फंक्शन बाकी गाड़ी में एक्टिवेट हो जाएंगे, सब कुछ चलेगा इसके अंदर आपका।